भगवान जी शंकर जी दुल्हा बन करके बाहर निकाले गए। सारे देवता वेट कर रहे हैं कि दूल्हा जब आए तब बारात चले। और विष्णु जी ने जब शंकर जी का दूल्हा रूप देखा तो गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, कहते हमने जिंदगी में आज तक ऐसा दूल्हा ही नहीं देखा। अब शंकर जी व्यंग करने में कम है नहीं, सो भगवान शंकर जी ने देवताओं से कहा सुनो भैया, बोले हाँ, बोले बिलगे बिलगे हुए चलहु सब निज निज सहते समाज। ये दूल्हा के साथ में कोई नहीं चलेगा, दूल्हा को अकेला चलने दो, आप लोग अपनी अपनी जमात के साथ में अलग चलो। बोले क्यों? कहा कि बरे अनुहारे बरात न भाई हसी करई हो पर पुर जाई। जैसा दूल्हा है वैसी बरात अपनी है नहीं, अपन लोग दूल्हा के साथ में मेल नहीं खाता खाते, इसलिए जैसा दूल्हा हो बरात भी वैसी होनी चाहिए। भगवान शंकर जी ने कहा अच्छा, इस मौके पर हमारा मजाक उड़ा रहे, तुम्हें क्या लगता है हमारे पास में बराती नहीं है? उन्हें तत्काल नंदी भृंगी को बुलाया, हमारे बरातियों को बुलाया जाए, इसी वक्त आदेश देते। आज तक आपने दुनिया में ऐसी शादी नहीं देखी होगी। कैसी शादी? कि दूल्हा सज करके बाहर आ रहा है, उसके बाद में इनविटेशन कार्ड बांटे गए, कहा जाओ बुलाया जाए सब बरातियों को। जब ऐसा कभी होता है? अरे दो दिन पहले कुछ तो करते ही, लेकिन दूल्हा सज के बाहर आ गया है और उसके बाद में इनविटेशन कार्ड बांटे जा रहे हैं। अब भगवान शंकर जी की तो रिश्तेदारी पूरी दुनिया में, भूत प्रेत बोलो किस दुनिया में नहीं है। दुनिया में जहाँ जहाँ आसमान है, जहाँ जहाँ लोग मरते हैं, सब जगह पर ही तो लोग हैं। इसलिए जो ही उन्होंने कहा तो महाराज कहीं से गोरे, कहीं से काले और कहीं से सब अलग अलग रंग के भूत प्रेत, कोई अमेरिकन, कोई जापानी, कोई इंडियन, कोई सब भूत प्रेत वहाँ पर इकट्ठे हुए। अति प्रिय बचन सुनते प्रिय के, अति प्रिय बचन सुनते प्रिय के, भृंगन प्रेर सकल गनते, भृंगन प्रेर सकल गनते, शिव अनुशासन सुनि सब आए, शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जल जैसी हमारे भोलेनाथ की अद्भुत बारात आई। और कुछ बारातियों का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कैसे कैसे आए हैं बाराती लोग। बोले नाना बाहन नाना बे, नाना बाहन नाना बे, वैसे शिव समाज निज दे, शंकर जी ने अपने बारातियों को देखा कैसे कैसे थे। बोले को मुखहीन, कोई कोई ऐसा है जिसको मुख है ही नहीं। अब मुख नहीं है तो फिर आंखें भी नहीं होंगी, कान भी नहीं होंगे। को मुखहीन और कोई कैसा? बोले विपुल मुख काहू, किसी को मुख ही मुख चारों तरफ। को मुखहीन विपुल मुख काहू और बिन पद कर को बहुपद बाहू, और बिन पद कर किसी को ना हाथ ना पांव है, चले आ रहे। बोले हाथ पांव नहीं थे तो आंख कैसे रहे थे? तो आपने पुराने जमाने में देखा होगा सड़क पर, जब सड़क बनती थी ना तो वो जो वो क्या तारकोल के नहीं होते थे ड्रम, वो लुढ़कते हुए चले आते थे, ऐसे ही वो पलटी मारते हुए चले आ रहे थे। हमारे यहाँ एक बाबा जी थे इंदौर तरफ में, अब शायद अभी हैं हमको मालूम नहीं है, मैं कुछ और बोल दूँ, उनको कहते थे पलटन रामदास जी महाराज। लाल कपड़ा पहनते थे, बहुत पहले मैंने देखा था। वो इंदौर से तीर्थराज प्रयाग तक की यात्रा कैसे की मालूम? क्या गजब गजब के महात्मा होते, पलट पलट करके ऐसे गुलटी मार करके वो चलते थे, पलटते जाते थे ऐसे, पलटन राम बाबा। और अगर आप किसी को कह दो आज के ज़माने में पलटू राम जी राम राम, तो झगड़ा हो ही जाएगा। हाँ, अब बिहार में होते हैं फेमस फेमस लोग
लेकिन सब जगह थोड़ी होते सौभाग्यशाली ऐसे। अगर किसी को कह दो आप पलटू राम तो गुस्सा हो जाए, अपने यार कांकल पट लिए। बिहार प्रदेश बहुत अच्छा है, पर मैं बात दूसरी कह रहा हूँ क्योंकि मैं अभी वहीं से कथा करके आ रहा हूँ और बड़ी श्रद्धा से लोग अभी भी यूट्यूब में भी वहाँ की कथा सुन रहे हैं। तो समझ गए कोई एक व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है, पूरे प्रदेश थोड़ी, प्रदेश तो हमारे सब एक से बढ़कर के एक है। बिहार की भी जो सभ्यता संस्कृति, राम जी का विवाह ही वहीं पर हुआ। अभी हम गए तो बक्सर वाले मामा जी का नाम सुना होगा, वहाँ पर भी हमारे बब्बन चतुर्वेदी जी लेकर के गए चौबे जी, बड़ा आनंद आया। तो मैं आपको ये बता रहा था कि कौ मुखहीन विपुल मुख काहू, हृष्ट पुष्ट कौ तन अति तन खीन कौ अति पीन पावन, कौ अपावन गति धरें। अद्भुत दिव्यतम बारात भगवान शंकर जी की सज करके चली है। और ये सजी धजी बारात जब वहाँ पर आई तो देखते से ही उस बारात को अत्यंत मोद सभी ने मनाया। भगवान शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं आ रहे तो हमारे पास में अपनी बारात है। दूल्हा बने भोलेनाथ ब्याही सचाने चले, दूल्हा बने हैं भोलेनाथ ब्याही रचाने चले, दूल्हा बने हैं भोलेनाथ। बारात आ रही है भाव से, सभी लोग भोलेनाथ की बारात में चल रहे हैं।
के चले हैं भांग देखो रे भोले, पी के चले हैं भांग देखो रे भोले, घर घर में चर्चा निराली बारात हिमवंत नगर में पहुंची। और हिमवंत जी महाराज, आप जानते हो कि बारात का परीक्षण करने के लिए, स्वागत करने के लिए घराती लोग आगे आते हैं। सो राजा हिमवंत जो हिमालय हैं, पार्वती जी के पिताजी हैं, वो अपने समस्त नाते रिश्तेदारों के साथ में बारात को लेकर, बारात का स्वागत करने के लिए आगे खड़े हुए हैं। और जो ही बारात का शुभागमन हुआ तो सबसे पहले तो आगे जो देवता चल रहे थे वरुण आदि, उन्होंने जूं ही इंद्र को देखा, सोचा शायद दुल्हा यही होंगे, और माला लेकर के आगे बढ़े। नारद ने उनको पीछे खींचा, कहाँ जा रहे हो, कहा ये दूल्हा, इनका श्रृंगार कर, इनका स्वागत करने के लिए। बोले ये दूल्हा नहीं है। बोले तब ये दूल्हा नहीं तो फिर और कौन, इनसे भी ज़्यादा कोई सुंदर। बोले ये तो दुल्हाओं का जो कर्मचारी विभाग है, ये उसके हेड हैं, ये दूल्हा नहीं। का जिस दूल्हा के कर्मचारियों का हेड इतना खूबसूरत, फिर दूल्हा कितना सुंदर होगा, पूछो ही मत। उसके बीच में फिर कुबेर जी आए, कोषाध्यक्ष, मणिजटित आभूषणों को धारण किए हुए, जगमगाते हुए से। तो बोले बस बस यही होंगे, कितना आभूषण धारण किए पहुंचे आगे बढ़े। बोले ठहरो ठहरो, ये तुम्हारे दूल्हा के कोषाध्यक्ष हैं, खजांची हैं, ये दूल्हा नहीं। का जिनका दूल्हा का खजांची इतना सुंदर, फिर दूल्हा की तो बात ही निराली होगी। तब तक वरुण देवता है, रिमझिम रिमझिम जल की रश्मियाँ बिखरती हुई, जल की किरणें, जल जल की बूंदें बरस रही हैं और चमचमाते हुए चले आ रहे हैं। उन्हीं के बीच में क्या शांति है, कितना साम्राज्य है, क्या सुंदर शीतलता है, यही होंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, ये तो उनका जलभरिया है, तुम्हारा जो दूल्हा है ना, उनका जल भरने का काम ये करते हैं। अग्नि देवता के तेज को कह कौन सकता। जब अग्नि देवता आगे बढ़े छह किरणों के साथ में, उसी समय उन्होंने कहा कि चलो भाई यही दूल्हा होगा, आगे बढ़कर के स्वागत किया जाए। बोले ठहरो, ये दूल्हा नहीं है। बोले तब बोले ये तो रसोईया बनाता है आपकी दूल्हा का, ये अग्नि देवता है, ये दूल्हा नहीं है। उसके बाद में पीछे से महाराज गणेश जी आए। गणेश जी का भी आप कहेंगे तो अभी तो विवाह ही नहीं हुआ, तो गणेश जी कहाँ से आ गए? इसका उत्तर है रामचरितमानस में दिया हुआ है, पढ़ा आपने, उसमें लिखा हुआ है कि मुनि अनुशासन गणपति ही पूजहु शंभु भवानी, कौ सुन संशय करय जन सुर अनादि जिय जान। गणेश एक पद है, गणानाम ईशा गणेशा, जो गणों का ईश्वर हो, इंद्रिय द्वार धरोखा नाना तांता सुर, तो समस्त गण गणों के देवताओं का जो ईश्वर है वो गणेश है। तो जे गणेश जी नहीं थे, उसके पहले कोई दूसरे गणेश जी थे, पर गणेश जी तो हर समय रहते हैं। और शिव महापुराण में आप पढ़ोगे तो गणेश एक पद है, कई लोगों को गणेश्वर बनाया गया हुआ है। आप शिव महापुराण में पढ़ोगे तो कितने गण, शतीखंड में देखना, उमाखंड में देखना, आपको मिलेगा उसमें। तो इसलिए मुनि अनुशासन गणेश जी को देखा, कहा ये बड़ी सुंदर, इनका स्वागत। बोले नहीं नहीं, ये तो उनके जो निचले कर्म हैं, वो काम हैं, वो इनको देखते हैं। और उसके बाद में महाराज जब भगवान, जब नारायण जी आए, तो नारायण जी की सुंदरता का वर्णन ही क्या करना। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम, उनको देखते ही दौड़ पड़े। अब उन्होंने कहा ये तो निश्चित रूप से अब यही है, कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। बोले ठहरो, ही इज फ्रेंड ऑफ योर दूल्हा जी, तुम्हारे दूल्हा के मित्र हैं, ये दूल्हा नहीं है। अच्छा, जिनका मित्र इतना सुंदर, तो फिर उनकी तो बात ही कुछ निराली होगी। और उसके बाद में जब सब देवता निकल गए, शंकर जी की जमात अब शुरू हुई, भूत प्रेत शाकिन डाकिन ततैया वितैया सब इधर से उधर, और अलग अलग से नृत्य करने वाले लोग, बाप रे बाप, कोई कोई तो प्रेत ऐसा नृत्य कर रहा है कि घड़ा लिए हुए रक्त अपने ऊपर डालता जा रहा है, मस्ती से नाचता हुआ चला जा रहा है, कोई अपने मुख में सर्प को लटकाए हुए है उसको एकदम नचा रहा है ऐसे ऐसे करके,
कोई भूत लिए, कोई प्रेत लिए, सब चले आ रहे हैं। और जहाँ से वो शुरू हुआ, हेमवंत जी ने कहा जरा पीछे हट जाओ, ये हमारे दूल्हा के साथ नचैया का भैया आएंगे, कौतुक देखने वाले दिखाने वाले आए, इनको निकल जाने दो, पीछे असली बारात शुरू होने वाली है। नारद जी ने कहा हेमवंत जी सावधान, भूल मत कर बैठना, बारात यही है। और इनके बीच में वो जो बैल पर उल्टे मुँह बैठा हुआ चला आ रहा है ना, मुंडों की माला डाल करके नग्न, जिसके नाग जिसका ऊपर फन्न फन्न कर रहा है, यही तुम्हारा दामाद है, इसी की तुम्हें पूजा करना है। इतना सुनते ही महाराज उनकी तो हवा खिसक ली। अब महाराज करें क्या, और जितने भी बच्चे वहां पर खड़े हुए थे, सब बच्चे बालक सबले जीव पराने, सब बच्चे अपने पांव सिर पर रख करके भाग खड़े हुए कि बाप रे बाप बचाओ। और गए भवन पूछे पितामाता, दौड़ करके गए अपने घरों में, तो माँ अपने घर में काम कर रही, कोई 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 गेहूं बीन रही, कोई और कुछ काम कर रही। जाते से ही बच्चा दौड़ करके गया और माँ के आंचल में छुप गया। बोले बेटा हुआ क्या? बोले पहले दरवाजा बंद करो, उसके बाद बताएंगे, दरवाजा बंद करो। तो दरवाजा बंद, बेटा हुआ क्या? अरे अभी रहने तो, थोड़ी सांस आ जाने दो हमारी, इतनी जोर से दौड़ करके आ रहे। बोले हुआ क्या है? बोले बारात देखी, कैसी बारात आई? कहते जैसे बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बारात है, ये तो राजा साहब हैं, बड़े गजब की बारात आई होगी। बोले बारात नहीं आई है। बोले तब? बोले जमकर धार किधहू बरियाता, ये बरियाता नहीं है, बारात नहीं है, साक्षात यमराज जी अपने गणों के साथ में धावा बोल दिए सड़गर। और जीवित जो रहे बारात देखकर पुण्यवत्त ही कर सही, जो इस बारात को देखने के बाद में भी जिंदा रह जाए तो समझना बहुत पुण्यशाली व्यक्ति है, नहीं तो अब सब गए। अब महाराज बड़ा गजब का मामला हुआ। अब महाराज सब लोग भागे। अब हेमवंत जी को नारद जी ने कहा कुछ भी हो दामाद हैं तो पूजन तो करना ही पड़ेगा। डरते डराते दांत कटकटा रहे हैं, जल छिड़का, पूजन छिड़का, चंदन किया। अब उधर सखियों को वो करना था, क्या कहते हैं मूसल से, क्या करते हैं, परीक्षण, परीक्षण, परीक्षण करना था। और परीक्षण करने के लिए जब किया जाता है तो मूसल से, तो सखियों ने जब मामला गड़बड़ देखा तो एक मूसल को लिया और एक लंबे बांस से बांधा। और पास तक तो किसी के जाने की हिम्मत थी नहीं, तो उसी लंबे बांस में बांधे हुए उस मूसल से 10 सखियों ने मिलकर के परीक्षण किया। नारद जी ने कहा वो तो सब ठीक है, लेकिन दूल्हा की आरती तो सास को ही उतारनी पड़ेगी। अब सखियां जैसे तैसे सास को लेकर के, मैना जी को लेकर के शंकर जी के पास में गई। उनकी हिम्मत नहीं कि ऊपर देख लें, चेहरे से चेहरा लगा ले, इसलिए मुंह नीचे किए और थाली उठा रही है। और थाली उठा रही थी, थाली में था एक दीपक और भगवान शंकर जी के गले में था एक विषधर भुजंग। और वो सांप ने जब दीपक देखा, जो ऐसा था वो ऐसे हो गया, और थोड़ा दीपक गया तो और ऐसे हुआ, और ऊपर धड़ाम से उसने फन्न मारा उसी में, उसी थाली में, तो उनके हाथ से थाली गिर गई, दीपक बुझ गया, लोटा का पानी बह गया और सासू जी चार खाने चित्त होकर के नीचे पसर करके गिरी। अब सुना है कि दामाद को सास से बहुत प्रेम होता है। सो भगवान शंकर जी ने कहा मेरी बेचारी सास गिर गई। सो भगवान शंकर जी बैल पर बैठे हुए थे, थोड़ा नीचा सास गिरी हुई थी तो उसको देखने लगे, और जो ही नीचे झुके तो उनके यहाँ पर था वो टेढ़ा चंद्रमा, चंद्रमा में अमृत। जो ही नीचे हुए तो अमृत, चंद्रमा का अमृत टपक गया, और वो चंद्रमा का अमृत टपका तो बाघंबर पर आकर के गिरा। और सुना है कि अमृत जिस पर गिर जाए वो जिंदा हो जाता है, सो वो बाघ जिंदा हो गया। जो कपड़ा पहने हुए थे भगवान शंकर जी, वो तो बाघ बन करके जिंदा हो गया। और जो ही बाघ ने एक दहाड़ लगाई तो जिस बैल पर शंकर जी बैठे हुए थे वो दुलत्ती मारता हुआ भागा एक तरफ, शंकर जी को गिराया नीचे। शंकर जी ने कहा अगर मेरी बैलगाड़ी चली गई तो फिर मैं चलूंगा किस पर? और फिर सोचा ये बैल कहीं जाकर के हमारी ससुराल में दो चार को फाड़ दिया तो फिर मेरी बदनामी बुरी हो जाएगी। तो एक हाथ से भगवान शंकर जी ने पकड़ी बैल की पूंछ और एक हाथ से पकड़ी शेर की पूंछ। कपड़ा है नहीं, क्योंकि कपड़ा तो शेर बन गया। क्या गजब का दृश्य हुआ। बोले शीश पर गंगा हंसे और भुजन भुजंगा हसे, और हसी को ही दंगा भयो नंगा के विवाह में, जोई मिले सोई हसे,
मगन महेश हसे, और हसी को ही दंगा भयो नंगा के विवाह में। अद्भुत दृश्य उपस्थित हुआ। अब महाराज सासू जी चली गई और भी सब लोग चले गए, और उसके बाद में अत्यंत दिव्य लीला हुई कि इधर भगवान शंकर जी पुराने जमाने में जनवासी होते थे, मालूम है ना, जनवासी मालूम है कि नहीं पुराने जमाने में। अब तो पता ही नहीं लगता है, अब तो लोग लड़की वाले का घर ही नहीं देख पाते, क्योंकि शादी बाहर बाहर से करके विदा कर दिया जाता है। घर तो दूल्हा ही देख पाता होगा और दूसरे लोग नहीं, पहले घर के ही अंदर में भावरे आवरे पड़ती थी। जनवासा होता था कि 3 दिन तक कम से कम वहां रुकते थे बाराती, 3 दिन तक तो हमने देखा, और पहले और पुराने लोग बताते थे 7-7 दिन तक बारातें रुकती थी। रामचरितमानस में लिखा है कि राम जी की बारात दशरथ जी के साथ कितने दिन रुकी, गुप्ता जी जनकपुर में कितने दिन बारात रुकी, रामचरितमानस कोई पढ़े है ना, तो वहां पर बारात 1 महीने तक रुकी रही। दशरथ जी महाराज जो जमात लेकर के गए हैं, जो बारात लेके गए, 1 महीने तक रुके वहां। तो कहने का मतलब ये, उसमें तिथियां तिथियां लिखी हैं, आप देख लेना, उससे मूल्यांकन कर लोगे। तो महाराज क्या हुआ कि अब जनवासी में भगवान शंकर जी गए। जनवासी में बाराती लोग क्या करते हैं, चले फिरे थके हुए होते हैं, तो फिर उनके कपड़े बदलते हैं, और कपड़े बदल करके और फिर बारात आरात निकलती है। सो भगवान शंकर जी भी बारात में आए हुए थे, उन्होंने नहाया धोया और उसके बाद में नए वस्त्र पहने और फिर भगवान शंकर जी के पास आए। ध्यान से सुनना इस बात को, जनवासी में शंकर जी बैठे और विष्णु जी नहा धोकर के उनके पास में आए, आज की भाषा में बोलें तो फ्रेश होकर के उनके पास में आए, और जब आकर के भगवान शंकर जी ने उनको बैठाया, कहा बैठो। सो भगवान विष्णु जी बोल बैठ गए। विष्णु जी को थोड़ा सा मजाक करने की आदत थी, शंकर जी के साथ में करते थे, तो उन्होंने बोलना शुरू किया। भोलेनाथ एक बात बताएं, बोले हाँ बताओ। कहा हम कई शादियों में गए हैं। बोले गए होंगे आप, इसमें क्या संदेह, आप जरूर गए होंगे, आपका इतना बड़ा अनुभव है, तो क्या हुआ। बोले हम कई शादियों में गए, और कभी कभी मैंने ऐसा भी देखा कि शादी में बरातियों का अपमान भी हो जाता है, ऐसा भी मैंने देखा। बोले हाँ हो जाता है। तो बोले पर महाराज एक बात आपको बुरा ना मानो तो कहें। बोले हाँ बताओ। बोले आज हमने अपने जीवन में दुल्हा का जितना अपमान देखा, इसके पहले मैंने दूल्हा की इतनी बेइज्जती कभी नहीं देखी जो आज मैंने अपने आंखों के सामने होती हुई देखी। बोले किसकी बेइज्जती हुई। कहा दूल्हा की। बोले दूल्हा तो मैं हूँ। बोले आप ही की तो हुई। बोले मेरी कब बेइज्जती हुई, मुझे मालूम नहीं और तुम्हें मालूम है कि मेरी बेइज्जती हुई, फालतू की अफवाह उड़ाते हो इधर से उधर, क्या मेरी बेइज्जती हुई। कहा देखो ना, आपका स्वागत जब किया जाता है तो मूसल से किया जाता है, वो यहाँ की नारियों ने बांस से बांध करके मूसल से, ये कोई तरीका होता है। कहा ये भोले के विवाह है, स्पेशल विवाह है, इसलिए कृष्णोपनिषद में लिखा हुआ है वंशस्तु भगवान रुद्रा, बांस भगवान रुद्र का प्रतीक है, इसलिए बांस को जलाया नहीं जाता, रुद्र का प्रतीक है, इसलिए रुद्र स्वरूप इस बांस को लेकर के और उसमें मूसल को बांध करके मेरा परीक्षण किया गया, एक स्पेशल मेरा सम्मान है। कहा भोलेनाथ जी चलो वो बात हम मान लेते हैं, लेकिन आप देखते हो आपका स्वागत करना चाहिए तो थाली में जो मंगल कलश रखा हुआ था वो मंगल कलश ही उलट गया, पूरा पानी बह गया, ये तो आपका अपमान हुआ ना। भगवान शंकर जी कहते हैं बिल्कुल गलत, ये मेरा कोई अपमान नहीं हुआ, मेरी सास बड़ी पढ़ी लिखी है, उसने देखा जिस दूल्हा के सिर पर साक्षात गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं, उनको लोटा भर पानी को क्या दिखाना, इसलिए मेरे रिस्पेक्ट में उसने अपना लोटा भरा हुआ पानी उसने गिरा दिया, ये मेरा सम्मान किया है। कहा धन्य भोलेनाथ, और वो आपका दीपक मांगलिक दीपक बुझ गया। कहा मेरी सास ने देखा कि मेरे दूल्हा के मस्तक पर चंद्रमा उदित हो रहा है, तीसरा नेत्र जगमगा रहा है, जो खुद ही सूर्य के समान दीप्यमान है, उसे चुल्लू भर लोटे का पानी क्या दिखाना, इसलिए उसने पानी को गिरा दिया, इसमें मेरा सम्मान किया है। बोले धन्य महाराज, लेकिन आपने देखा वो तो गिर पड़ी आपसे डर करके, सास को तो डरना नहीं चाहिए, पर लेकिन मैंने देखा कि वो सामने गिर पड़ी। शंकर जी कहते हैं वो गिरी नहीं थी, उसको मालूम है कि मैं परब्रह्म परमात्मा हूँ, इसलिए मेरी सास मुझे रिस्पेक्ट दे रही थी, साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रही थी,
बोले धन्य महाराज। ये हैं भोले बाबा, इतने ऑर्डरदानी हैं कि तुम्हारी गलतियों को भी पूजा का रूप मान लेते हैं। हमने देखा बनारस में, हम एक बार बैठे हुए थे सामने ही हमारे मंदिर में, शंकर जी का मंदिर, तो सुबह से ही लाइन लग जाती। एक सज्जन आए, जल चढ़ाया और जल चढ़ाने के बाद में ऐसे ऐसे किए। ये कौन सा पागलपन है, कहीं आरती करना चाहिए, कर्पूर गौरम कर्णावतारम तमाम स्तुतियाँ हैं। पूजन करने के बाद में परंपरा है कि महंत को भी प्रणाम करते, सो हमारे पास में भी आए। तो हमने कहा वो तुमने वो ऐसे ऐसे गाल बना के बजा करके क्या किया। बोले महाराज ये शंकर जी की प्रार्थना है। ये कौन सी प्रार्थना जो तुमने गाल बजाया। बोले जब दक्ष का सिर कट गया तो उसको किसका सिर लगाया गया, बकरे का लगाया गया, तो फिर उन्होंने जो स्तुति की होगी किस भाषा में की होगी, इसी भाषा में की होगी ना। बोले हम भी दक्ष की तरह अज्ञानी है, हमारी कोई भाषा नहीं है। जो बिना भाषा की भी आपकी आशा को समझ जाए वही हमारा कैलाशा है, वही कैलाशवासी भगवान भोलेनाथ। इतने करुणा निधान भगवान शंकर जी महाराज। तो ऐसे आशुतोष ऑर्डर दाने भगवान शंकर जी ने अद्भुत दिव्यतम वहां पर परिदृश्य उपस्थित किया। और विवाह के लिए विवाह मंडप में जब वो वहां पर आए तो अद्भुत दिव्य चीज हुई कि जब राम जी शंकर जी बैठे हुए थे उसी समय पर विष्णु जी बात कर रहे थे, उसी समय नारद जी आए। नारद जी महाराज उसी समय जब पहुंचे जब विष्णु जी और शंकर जी की बात हो रही थी, तो नारद जी ने को देखते ही थोड़े से पसीना उड़ रहा था। तो शंकर जी ने पूछा क्या बात है नारद जी घबराए हुए हो। कहा हम आपको एक मैसेज लेकर के आए हैं। बोले क्या मैसेज है। कहा मैसेज ये है कि जितने जल्दी हो सके आप अपनी बारात लेकर के यहाँ पीछे के दरवाजे से आप खिसक लो। बोले कैसी बात कर रहे हैं। बोले हाँ मैं आपके हित की बात कर रहा हूँ, आपके कल्याण की बात कर रहा हूँ कि जितने जल्दी हो सके आप यहाँ से पीछे के दरवाजे से आप खिसक लो। बोले मामला क्या है। कहा कि असल में अभी हम हाल हाल कन्या के घर से आ रहे हैं। तो बोले क्या हुआ। बोले कन्या के घर में मैं एक संवाद सुनकर के आ रहा हूँ कि कन्या की माँ जो हैं उन्होंने सुनैना मैना जी ने निर्णय कर लिया है कि चाहे मैं अपनी बेटी के साथ में पहाड़ से कूद करके जान दे दूँ, चाहे मैं समुद्र में डूब जाऊं, चाहे मैं आग लगा करके मर जाऊं, लेकिन ऐसे पागल वर के साथ में अपनी कन्या का विवाह करने वाले नहीं हैं। इसलिए महाराज आपका विवाह तो रद्द है। इसलिए जितनी जल्दी वो लोग धक्के मार करके आपको निकालें उससे अच्छा है कि आप पीछे के दरवाजे से चुपचाप जो कुछ इच्छित बची है उसको लेकर के निकल जाओ। भगवान शंकर जी फिर भी मुस्करा रहे। बोले बताओ गजब के दूल्हा यार, फिर भी आप बैठे हो और कह रहे कि। बोले ये तो कब की न्यूज है। कहा बस अभी हम घर से आ रहे हैं। बोले कितना टाइम लगा होगा। बोले 15 मिनट। बोले 15 मिनट में दुनिया बदल जाती, दोबारा जाओ। और दोबारा नारद जी महाराज गए तो उन्होंने एक दृश्य बदला हुआ देखा कि पहले माँ कह रही थी बर गिरो गिरते परो जल निधि जरो सागर में परो, जीवित विवाह ना हो करो, मैं जीते जी विवाह नहीं करूं। लेकिन यहां पर जो पंक्तियां माँ के सुनने के बाद पार्वती जी ने बोली है वो हर एक बेटी को और हर एक माँ को अपनी गांठ में बांध लेनी।